नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला हो सकता है। मतलब के आपके रिलेशन में काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन ये अप एंड डाउन लाइफ का एक पार्ट है। केवल आपको नहीं, हर किसी को कभी ना कभी इस फेज से गुजरना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको करना ये है कि कम्युनिकेशन बनाए रखना है, अपने पार्टनर को हर रोज कॉल करें। आज के दिन में जितनी भी बार टाइम मिले उतनी बार फोन करें। अनलिमिटेड वाला रिचार्ज तो होगा ही ना, इस सप्ताह को वसूल कर ले। ओके अजी सुनते हो, अजी सुनती हो। मैरिड कपल्स को ये लाइनें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कोई एक दूसरे को सुनता नहीं होता। लेकिन इस सप्ताह रिलेशन को अच्छे से चलाना है तो दोनों को एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। हालांकि इस सप्ताह आपके पार्टनर की कंपनी आपको अच्छा फील करवाएगी, उनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लाइफ पार्टनर का सुझाव आपके लिए मंत्र साबित हो सकता है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये मुहावरा तो सुना ही होगा, इस सप्ताह आप उसे फील भी करने वाले हैं, क्योंकि आपके ससुराल से कोई आने वाला है, ससुराल से कोई आपका मेहमान बनेगा, आपसे मुलाकात होगी। जैसे जेठालाल का साला सुंदर अपने डियर जीजाजी से मिलने आता है, कुछ इसी तरह आपका साला भी आपको मिलने आ सकता है। उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दो जेठा जी। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको काफी दिनों से आ रही है, लेकिन बस अब ज्यादा इंतजार नहीं, इस वीक में आपको अच्छा सा शादी के लिए प्रस्ताव आ सकता है। आपको कोई पसंद आ सकता है जिससे आप शादी करना चाहेंगे, है ना लड्डू बांटने वाली बात। चलो चलो तैयारियां शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक।